वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। आज का शीर्षक है समस्याओं से दूर भागना एक गंभीर पाप है। बोलिए मेरे पीछे, समस्याओं से दूर भागना, एक साथ बोलिए, समस्याओं से दूर भागना एक गंभीर पाप है। आमीन। हम कौन है? हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए, हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। हमारे पास वो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमको दिया था। हमारे पास वो आत्मा है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती है। हमारे पास उसका अनुग्रह है, हमारे पास उसकी दया है, हमारे पास उसका चमत्कार है। और अगर इतना सब कुछ हमारे पास है तो समस्या हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती है। अगर फिर भी हम समस्या से दूर भागते हैं तो आप पाप करते हैं, आप पाप करते हैं एक मसीह के रूप में। एक मसीह होने के बाद अगर आप समस्याओं से भागते हैं तो आप पाप करते हैं। समस्याएं हमारे लिए क्या है? बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन तुमने यीशु मसीह को पा लिया कोई समस्या नहीं आएगी तुम्हारे पास, तुम किसी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएगा, यह बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल में यह लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह के रूप में यीशु समस्याओं के सामने से गुजरोगे तो यीशु को अपने साथ पाओगे। जब किसी परीक्षा में पढ़ोगे तो यीशु मसीह का हाथ तुम्हारे सर पर होगा, उसकी बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी, उसकी बुद्धि तुम्हें बताएगी तुम्हें कैसे जीवन जीना है। जब इतना सब कुछ मेरे पास है तो मैं समस्या से भाग रहा हूं? अगर आप समस्या से भाग रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रभु को पहचाना ही नहीं, आपने जाना ही नहीं कि वो कौन है, आपने समझा ही नहीं कि उसका अस्तित्व तो उसका सामर्थ्य क्या है, आपने जाना ही नहीं कि उसके नाम में कितनी शिफा है। अगर आप समस्या से डर रहे हैं, अगर आप समस्या से दूर भाग रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री क्या कहता है, 1:2-3, कि जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझना। जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़े तो इसे आनंद की बात समझना। कभी सुना है आपने कि कोई कहता है कि आप परीक्षाओं में पढ़े तो आनंद की बात समझना? क्यों? क्योंकि वो परीक्षाएं आपके विश्वास को बढ़ाएंगी। क्यों लाता है परीक्षाएं परमेश्वर? परमेश्वर आपको धरती से स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको आपके अंदर वो स्वभाव डालना चाहता है जो उसका है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना है, हमें उन चीजों को देखना है जो स्वर्गीय है, हमें उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो पृथ्वी की है, जो नाश होने वाली है। हमारी आशा उन चीजों पर है जो अमिट है, अविनाशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आशा इन चीजों पे नहीं है। मेरा फोकस मेरे प्रभु पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्याओं से पता कौन भागता है? समस्याओं से दूर कौन भागता है? जो देखकर विश्वास करता है, जो चीजों को देखता है। ओ अब मेरी नौकरी जाने वाली है, वो जो नौकरी देख रही है उसे, अपना बैंक बैलेंस देखता है और डरता है। जो आदमी महंगाई को देख के डरता है, तेल के भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, अब क्या होगा मेरा, मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा, और आप समस्या से दूर भागने लगते हैं। जब आप समस्याओं से दूर भागते हैं ना मेरे भाई, तो आप कंप्रोमाइज करते हैं, आपका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपका जीवन आप चला रहे हैं? कौन यहां पर कहता है कि मैं अपना जीवन अपने आप चला रहा? कोई है? कोई ऐसा है शख्स यहां पर कि आप दावा करते हैं कि अपना जीवन मैं चला रहा हूं? आप नहीं चला रहे, वो परमेश्वर चला रहा है, और अब तक चला रहा है तो आगे भी चलाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अद्भुत आशीषों की बारिश हो तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, अपने विश्वास को थामे हुए उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसने जो कहा है उस पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई, कोई भी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं है जिसका सॉल्यूशन परमेश्वर के पास नहीं हो। कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जहां तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पहुंच सकता है। कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है जहां पर परमेश्वर की दया नहीं जा सकती है। कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जिसको परमेश्वर निकाल नहीं सकता है। कोई नहीं है। तो जब हम समस्या से दूर भागते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमने आनंद ही नहीं लिया। हेलो, समस्या से दूर भागना यानी कि परमेश्वर पर दोष लगाना। सब कुछ दे चुका है परमेश्वर आपको, सब कुछ। आपको श्रापों से मुक्त हो चुका है। कुलुसियों 2:14-15 अगर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि विधियों का वो अभिलेख जो हमारे माथे पर लगा हुआ था, जो हमारे माथे पर चिपका हुआ था, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा वो निकाल दिया गया, मिटा दिया गया। विधियों का वो, बढ़िया चल लीजिए, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, हमारे खानदान पर था। कहते ना कि आपके पूर्वजों पर, आपके खानदान पर ये श्राप है। हमारे नाम पर था। वो विधियों का अभिलेख यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से मिटा दिया गया, हमारे अंदर मिटा दिया गया है। और क्या किया गया है? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। क्रूस पर कीलों से सदा के लिए उसका नामो निशान मिटा दिया, खत्म कर दिया। और क्या किया? और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। प्रधानतों और अधिकारियों जो ऊपर थे, ध्यान दीजिए इस वचन पर, ध्यान दीजिए। प्रधानताएं और अधिकारी जो शैतान के अंधकार की हैं, वो तीसरे आकाश से अपना राज्य करते थे। आपको दिखता नहीं है कि कौन आप पे वार कर रहा है, आपको दिखता नहीं है। अंधकार की शक्तियां आपको दिखती नहीं है क्योंकि वो तीसरे आकाश पर हैं। प्रधानताएं और अधिकार जो कि तीसरे आकाश से अंधकार की शक्तियां उस पर हम पर नाश करती थी, हम पर अधिकार रखती थी, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा उनको ऊपर से उतारा। अरे हा नीचे, और देख मैं मर के जिंदा हो गया। देख अंधकार की शक्ति, देख शैतान, तूने मौत पर विजय पाई है ना। पाप की मृत्यु जी, पाप की सजा मृत्यु है, मैंने मृत्यु पर जय पाई है, मैंने मृत्यु पर जय पाई है, इसलिए मैं क्रूस पर मर के जिंदा हो गया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उसने, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए कि उसने आपको क्या दिया है। आपको वो आशीष जीवन दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अभी भी संसार को देख रहे हैं। बाइबल कहती है हमें जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करना है। मेरा यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। समस्याओं से कौन भागता है? जो ईगोइस्ट होता है, जो अपनी गलतियां नहीं मानता है, जो अपनी कमजोरी नहीं मानता है, जो नहीं मानता कि मुझ में कमी है, जो नहीं मानता कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड।
रूथ की किताब में नियोमी एक शब्द है, नियोमी एक करेक्टर था, नियोमी एलिमेलेक की वाइफ जो कि बैतलहम में रहती थी, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि परमेश्वर को जानती थी। अकाल आया और उसने अपने पति और दोनों पुत्रों के साथ बैतलहम को छोड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहां पर आ गई? मोआब। न्यायियों के दौर में मोआब उस समय फला फूला एक शहर था, फला फूला एक देश था, वहां पर आ गई अपने पति को लेकर, बैतलहम को छोड़कर, प्रभु के घर को छोड़कर, घर की रोटी को छोड़कर। क्या हो गया? आप बैतलहम में से मोआब आ गए क्योंकि आपको लग रहा था वहां पर रोटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसा होते हैं, कई लोग कलीसियां बदलते रहते हैं, आज इस कलीसिया में, कल वहां से, कल वहां, कल वहां, मेंढक की तरह उछलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप समस्याओं से भाग रहे हैं। नियोमी समस्या से भाग रही थी, सिर्फ अकाल उसके लिए नहीं था, सकाल तो सबके लिए था, लेकिन और जितने थे बैतलहम में रहने वाले वो सब बैतलहम में रहे, लेकिन नियोमी मोआब में आ गई। और क्या हुआ? मोआब में आके उसने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी। किन से शादी कर दी? मोआबिन से, जो अन्य जाति की औरतें थी उनसे शादी कर दी उसने। समस्या से भाग रही है वो। मोआब और बैतलहम का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, 50 किलोमीटर की है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो उसकी दूरी कितनी है? क्या वो अपने बच्चों के लिए बैतलहम से बीवियां नहीं मंगा सकती थी? क्योंकि वो भाग रही थी, वो भाग रही थी। जब हम समस्याओं से भागते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम समस्याओं से दूर भागते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम डिपेंड हो जाते हैं संसार पर, लोगों पर, मनुष्यों पर डिपेंड हो जाते हैं। मेरा चाचा क्या कहेगा, मेरा मामा, हाँ मेरे मामा बताना, मेरा चाचा मुझे बताना इस समस्या से मैं कैसा निकलूं, अंकल आंटी बताइए ना, अरे भैया प्लीज बताओ मैं इससे कैसे निकलूं। हेलो, हम डिपेंड किस पर हो जाते हैं? उन लोगों पर जो दिख रहे हैं, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। नियोमी बैतलहम छोड़कर आई और क्या हुआ? उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, मर गए। और उसने एक सबसे अच्छी बात की कि जब वो बैतलहम से मोआब में आई, अपने बेटों की शादी की, तो उसने अपने दोनों बेटों, जो बहुओं को, प्रभु के बारे में बताया कि प्रभु है कौन, परमेश्वर है कौन। और दोनों जो बहुएं थी, ओरपा और रूथ, दोनों ही परमेश्वर के चरणों में आना चाहती थी। क्या रे, प्रभु इतना प्यारा है, हमारा प्रभु इतना महान है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को जानना, प्रभु का बीज बोना, जो कि नियोमी ने ओरपा और रूथ के अंदर किया, उन्होंने बीज बोया। लेकिन जब 10 साल हो गए और अकाल खत्म हो गया, बैतलहम से खबर आई कि अकाल खत्म हो गया और वहां रोटी मिल रही है, तो अब नियोमी वापस जाना चाहती है, अपने वापस घर में जाना चाहती है। और वो क्या बोलती है? वो ओरपा से बोलती है, रूस से बोलती है कि तुम लोग वापस जाओ। क्या कहती है? तुम लोग वापस जाओ, वहीं जाओ, वही मूर्तियों को पूजो, क्योंकि मैं वापस जा रही हूं। क्यों नहीं लेके जाना चाहती थी नियोमी? आप अपनी समस्याओं से जब भागते हैं ना,
तो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते कि मैंने गलतियां की थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहुएं जांचे जाने जब हम बैतलम में जाएंगे तो बहुएं पत्र को पता लग जाए कि इसने गलती की थी, ये क्यों यहां पर आई। इसलिए वो अपने ऊपर से छुटकारा चाहती है और बहुओं को वहीं छोड़ के जाना चाहती है। ओरपा को कन्विंस किया कि तुम चली जाओ, तुम शादी कर लो। ओरपा चली गई, वो एक अलग विषय है, लेकिन रूथ जो कि उसकी बहू थी वो नहीं गई, वो नहीं गई। हालेलुया। देखिए रूथ का, रूथ में पढ़ेंगे अगर 1:8 पढ़ेंगे तो आप देखिए वो किस तरीके से अपनी समस्याओं से भाग रही है। मेरे भाई हम एक मसीह हैं, हमें समस्याओं का सामना करना है, हमें भागना नहीं है, क्योंकि हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास वो अधिकार है। हमें ये नहीं कहना कि यार समस्याएं ऐसी आ गई, एटमॉस्फेयर ऐसा आ गया, मैं तो दारू पीना नहीं चाह रहा था, दारू छोड़ चुका था, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे आ गए जबरदस्ती और मुझे दारू पिला दी। अरे बीवी चली गई थी मायके, दोस्तों ने मुझे बुरी संगति में डाल दिया, मैं तो नहीं चाहता था लेकिन दोस्त मुझे ले गए। आप भाग रहे हैं समस्याओं से। मेरे पास पवित्रता है, अब कोई मुझे अशुद्ध नहीं कर सकता, मैंने यीशु की पवित्रता को पा लिया है, चाहे दोस्त आए चाहे सहेली आए। अभी आप पर है कि आप बुरी संगति के संग रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियन 5:15-33 क्या कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अगर आप बुरी संगति में हैं तो आप कैसे भी चरित्र में हो आप भ्रष्ट हो जाएंगे और फिर आप भागते फिरेंगे, फिर आप भागेंगे, फिर आप माहौल को दोष देंगे, परिवार को दोष देंगे, अपने कमियों को नहीं। देखिए आपकी समस्या शुरू कहां से होती है पता कभी आपने? समस्या का शुरू कहां, समस्या का स्रोत कहां से होता है पता आपको? आपके दिल से। समस्या की शुरुआत कहां से होती है? आपसे। जो समस्या आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है। आप समस्या को कैसे देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। समस्याएं आप शुरू करते हैं, आपसे शुरू होती हैं। आप अपने जीवन भर काम नहीं करेंगे, आप अपने जवानी अपने अय्याशी में बिता दी, आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, एक सपने देखे कि सारे नहीं साहब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा मैं जाऊंगा और ये काम कर लूंगा, ये काम कर लूंगा, ये काम कर लूंगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा आई, क्योंकि आपने अपने आप को बनाया ही नहीं, इसलिए आप परीक्षा में फंस गए, और परीक्षा में फंसने के बाद फिर आप दोष देते हैं दूसरों को, मां बाप को। कौन फंसे, क्यों फंसे आप? क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बनाया। किसकी वजह से परीक्षा में फंसे आप? अपनी वजह से। किसी ने नहीं आपको फंसाया है, आप आराम से परीक्षा से निकल सकते हैं। आप अपने आप को लेके जा रहे हैं परीक्षा में, झूठ बोल रहे हैं, आपका ईगो आपका घमंड आपको परीक्षा में ला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1:13 देखिए, 14, याकूब 1:14, धन्य है वो जो परीक्षाओं में पढ़ता है, तो 12वां है, धन्य है वो जो परीक्षाओं में पढ़ता है, क्योंकि परीक्षा में पढ़कर खरा मुकुट पाएगा वो जो स्थिर रहेगा। 14 पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। कोई आपको परीक्षा में नहीं डाल सकता है, आप डालते हैं अपने आप को परीक्षा में, आप डालते हैं। हेलो प्रेज द लॉर्ड। तो नियोमी ने अपने आप को डाला
और यहां पर क्या बोलती है ओरपा को और रूथ को क्या बोलती है, पढ़ो बेटा रूथ का 1:8। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। प्रेज द लॉर्ड। वो जानती है, आप देखिए, वो जान रही है कि इन्होंने प्रीति रखी है। आप देखिए इस वचन को, जैसे तूने मुझसे और जो अपने पतियों से प्रीति रखी है, वैसे उस प्रीति की वो साक्षी दे रही है कि वाकई तुम अच्छी बहू हो, वाकई तुमने मेरे बेटे के संग प्रीति रखी, वाकई तुमने मेरी सेवा की, वेरी गुड, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे संग करे, लेकिन वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि नाओमी समस्या से भाग रही है, समस्या से भाग रही है, वो परीक्षा से भाग रही है, और क्या कर रही है, परमेश्वर को दोष दे रही है। और जैसे वो बैतलहम आई, उसने क्या कहा, इसी का 20:21, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। हेलो, जब बैतलहम में आई तो उसने देखा कि उसके सहेलियां, उसके रिश्तेदार सब लोग मिले, और सब लोग अकाल की दशा में वहीं थे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो सब हट्ठे किट्टे थे, वो सब अच्छे थे, आशीषित थे। गवाया किसने था? इसने। अपने पति को किसने गवाया था? नाओमी ने। अपने दोनों बच्चों को किसने गवाया था? नाओमी ने। क्यों? क्योंकि तुम आशीष से अंधकार की ओर गई। हेलो, गलतियां हम करते हैं, गलती आप करते हैं, जिसका नुकसान आप भोग रहे हैं। आपके गलत डिसीजन की वजह से आप बहुत सी चीजों को सहन कर रहे हैं। कभी अकेले में बैठकर अपने आप से बात की है? रात को 10 मिनट सोचिए कि आज मैंने क्या गलत किया, आज मैंने क्या अच्छा किया। अपने जीवन के बारे में सोचिए आप कि आज मेरी ये दशा क्यों है, क्या मैंने हर काम सही किया है, सोचिए आप। तो यहां पर क्या बोलती है नाओमी, क्या बोलती है 20:21 में, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। परमेश्वर पर दोष लगा रही है कि महा सर्वशक्तिमान ने मुझको बहुत दुख दिया है। क्या दुख दिया है? मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। आमीन। सोचिए किस पर दोष लगा रही है, परमेश्वर पर, परमेश्वर पर दोष लगा रही है कि मैं भरी पूरी यहां से गई थी, मेरा पति था मेरे साथ जब मैं गई थी, मेरे दोनों बच्चे थे जब मैं गई थी, और वहां से आई हूं तो सब कुछ कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, भरोसा नहीं किया। यशुओं का अगर आप पढ़ेंगे, यशु जोशुआ 23:14 कहता है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। पढ़ो बेटे, जोशुआ 23:14। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय को और मन में जागते हो, कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। आमीन। आमीन। जितनी भी भली बातें परमेश्वर ने कही हैं, उनमें से एक भी पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। Amen. रही। Yes. परमेश्वर ने कहा है। Praise the Lord. हम फिर भी समस्या से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पाप को छुपाते हैं, हम पाप को छुपाते हैं। नीति वचन 28:13 पढ़िए, हम अपने पापों को छुपाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? कि मैं तुम्हारे पापों को लेने के लिए तैयार हूं।
हमें क्या करना चाहिए? दिल खोलकर अपने पापों को सामने रखना चाहिए कि मुझ में ये गलती है, मुझे शुद्ध कर परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु करेगा क्योंकि उसका वादा है। लेकिन जब आप छुपाते हैं पाप तो क्या होता है? नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। जो बहाने बनाता है, आज मुझे को नौकरी इसलिए नहीं गई क्योंकि ये किया था, आज वहां नहीं किया, आज आपसे नहीं किया, आज मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, आज ये नहीं किया, आज मेरा मूड खराब था, आज वो आदमी सही नहीं था, आज ये नहीं था, कुछ नहीं हो रहा आपका, बहाने बना रहे हैं, दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। आपका काम कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। आप कठोर होते जाएंगे, आप दूसरों से भागते जाएंगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे क्योंकि आप दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको पवित्रता दे दी है, पवित्रता परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके लिए कर दिया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, इसका पूरा पढ़िए। परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, जो उन अपराधों को मानकर छोड़ देता है, सिर्फ मान लेना नहीं है। आज आपने कहा कि नहीं मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, अपनी पत्नी से कहा आई एम सॉरी यार मैंने आज ड्रिंक कर ली, आई एम सॉरी यार मैंने गलती की, चलो फिर दूसरे दिन फिर पी के आ गए आप, पत्नी बोली ये क्या भाई आपने तो कहा था सॉरी, आया नहीं यार गलती हो गई, आज ही पता नहीं कैसे मन कर गया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और किसी ने मुझे पिला दी, तो आप पर दया नहीं की जाएगी, आप पर दया नहीं की जाएगी। अगर आप अपने अपराधों को मानकर छोड़ देते हैं, मुझसे गलती हुई, मैं एक पति हूं, एक दूसरी औरत के संग मेरा संबंध हो गया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी पत्नी मुझे माफ कर, वो रोई धोई उसने आपको माफ कर दिया, फिर चार दिन के बाद फिर माफी मांग रहे हैं आई एम सॉरी, नहीं, क्या आपको दया मिलेगी? अपराध अगर आपने किया है, हो सकता है आप शरीर में हैं, हो सकता है आपसे अपराध हो गया हो, लेकिन अपराध करने के बाद आपको उसको छोड़ना है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी के संग दगा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पवित्रता के संग समझौता नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। तब परमेश्वर आप पर दया करेगा, तब परमेश्वर आपको शक्ति देगा, तब आपके अंदर वो आशीष होगा, आपके आपके काम में आपको बरकत होगा, आपके घर में आपको बरकत मिलेगा, आप देखेंगे। गलती आपकी है, अपराध आपने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने अपराधों को मानते नहीं है, इसलिए दाऊद कहता है कि साहब मेरा हाथ तेरे ऊपर दबा हुआ, भजन 32:4, भजन संहिता 32:4 में दाऊद क्या कहता है? क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं, आगे, और मेरी तरावट धूप काल की से झुर्राहट बनती गई। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और मेरी तरावट धूप काल की से झुर्राहट पड़ती गई, आगे, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। कब? जब उसने माना, जब उसने अपराध माना उसके पाप क्षमा हुए। 14 क्या कहता है? 14 कि मैं तेरे हाथ के नीचे दबाऊं। क्यों दबे यहां परमेश्वर के हाथ के नीचे? क्योंकि आप अपने अंदरूनी मन को खाली नहीं कर रहे हैं,
आप कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं पाप को दबाए रखें। आप क्या सोचते हैं कि यार कोई तो देख नहीं रहा है यार। और कभी कभी ये भी होता है, मैं आपको बता दूं, इंसान जो है ना, शैतान जब आपके अंदर आता है ना, तो अरे बीवी क्या कर लेगी यार। और जब आपकी बीवी आप पर निर्भर हो, जब आपको पता है कि आपकी बीवी का कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, उसके भाई नहीं है, उसका बाप नहीं है बोलने वाला, तो अरे बीवी है यार, कौन बोलेगा उसके सामने से, रोएगी धोएगी चुप हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। कभी भी ऐसा कोशिश मत करो। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे हाथ तेरे नीचे दबे हुए हैं। क्यों आप महसूस कर रहे हैं दबा हुआ? क्योंकि आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। आप अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे हैं। आप पाप कर रहे हैं फिर भी परमेश्वर के पास आ रहे हैं। क्या परमेश्वर नहीं जानता है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? क्या वो जानता है? वो सिर्फ चाहता है कि मेरा बच्चा अपने मुंह से अंगीकार करे कि पिता मुझसे गलती हो गई है, मैं कमजोर हो जाता हूं, मैं जब भी शराब को देखता हूं मैं कमजोर हो जाता हूं, मैं जब भी गलत वीडियो को देखता हूं मैं कमजोर हो जाता हूं, प्रभु मुझे दूर कर। प्रभु दूर करेगा, प्रभु दूर करेगा। लेकिन आप मांगिए, आपकी जरूरत क्या है? अगर आप उसकी पवित्रता की अस्तित्व को, आप जब उसकी कीमत को समझेंगे तो आप जानेंगे। हालेलुया। नीति वचन 28:24 पढ़िए। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। आजकल बहुत है, आजकल माँ बाप को यूज किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है तुमने किया क्या हमारे लिए, तुमने किया क्या है। 18-19 साल तक माँ बाप के लिए पड़े रहे, खाए पिए, पढ़ाई की मन किया पढ़ाई की, मन किया पढ़ाई नहीं की, और ऐश करते रहे। उसके बाद बोलते हैं आपने किया क्या। आप अपने मां बाप को लूट रहे हैं और उसके बाद कमजोर मां बाप को धमकी। अगर जवान लड़का धमके आए मेरे सामने बोलना नहीं, निकल जाऊंगा घर से बाहर। हाँ लड़कियां भी है, बोलना मत। किया क्या आपने है? सिर्फ पैदा किया है? अरे मेरे बच्चे, अपना जब बच्चा तू पैदा करेगी ना, तब तुझे पता लगेगा कि तूने क्या किया है। तेरे मां बाप ने तुझे यह अस्तित्व दिया है, और मैं तो क्या बाप का नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता है। मां बाप को लूटते हैं, आपका नाश निश्चित है। जो अपने मां बाप की भावनाओं को लूटता है, जो अपने मां बाप को बेवकूफ बनाता है, मैं ये कर रहा हूं, बस अभी देखो, अगले 15 दिन में देख लो जहाज आ जाएगा मेरे सामने, आप देख लो 15 दिन में ऐसे कैसा मिलने वाला है, सब कुछ देखो। मां बिचारी भोली, तो 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 15 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लूट रहे हैं आप मां बाप की भावनाओं को, लूट रहे हैं, और फिर जब असफल हो जाते हैं तो आपने किया क्या, आपने मुझे दिया क्या। अपने आप को सुधारो। मां बाप ने कुछ भी दिया है ना, इतना सा भी, तो धन्यवाद बोलो। अगर आप अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर सकते हैं, आपको मसीह बनने का हक ही नहीं है। आप अपने मां बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। आज मां बाप विश्वास करता कि मेरा बेटा जा रहा है कहीं काम करेगा, आप बेवकूफ बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है? कोई भी अगर आपको आपके मां बाप के लिए गलत बोले, उससे दूर हो जाओ। इसका मतलब वो आदमी सही नहीं है,
इसका मतलब वो आदमी सही नहीं है जो आपके मां बाप से आपको दूर कर रहा है, जिसने आपको जन्म दिया। हो सकता है मां बाप की मजबूरी रही होगी, हो सकता है आपको कम मिला होगा, आपकी बहन को ज्यादा मिला होगा, मां बाप की मजबूरी होती है। कैसे पालता है इंसान उसको पता है, बच्चे कैसे पालते हैं। इसका मतलब क्या है, आप उसको तोलेंगे एक तराजू में, मां को रख दिया एक तराजू में, बाप को रख दिया, क्या आप तोल रहे हैं? आपकी यह औकात है कि आप तोलें? आज के बच्चे अपने मां बाप को तोल रहे हैं? जो आपके मां बाप की बुराई करता है उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आदमी सही नहीं है, क्योंकि वो अपने मां बाप को भी छलता है, लूटता है अपने मां बाप को, इसलिए नाश होना निश्चित है। मत लूटो। हालेलुया, आपने जवानी का घमंड चूर चूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मेरे पाप, आप क्यों लगता है आपको कि परमेश्वर के आप अंदर दबे हुए हैं? क्योंकि आपके अंदर पाप है, आपके विचार सही नहीं है, आप अपने घर के लोगों के साथ सही नहीं है, आप अपने मां बाप के साथ सही नहीं है, इसलिए आप दबे हुए हैं, इसलिए आपको सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए आशीषें आपके जीवन में काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप अपनों को ही सता रहे हैं। समस्याओं से भागना गंभीर पाप है। प्रेज द लॉर्ड। हमें समस्याओं से नहीं भागना है। इब्राहिम का बेटा इसाक था, उसके ऊपर भी अकाल आया, उत्पत्ति 26:1-3, और वो अकाल पहले के अकाल से ज्यादा बड़ा था, वो अकाल पहले के अकाल से ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं। सब लोग घराव छोड़कर मिस्र जा रहे थे, सब लोग मिस्र जा रहे थे, मिस्र भाग रहे थे, अकाल था, परमेश्वर ने कहा तो यहीं रहे अकाल की धरती पर। पढ़िए बेटा, उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिसियों के राजा अबीमेले के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने, तू इसी देश में रहे। अब सोचिए, अकाल है, वो चरवाह है, वो खेती करता है, उसके जानवर मर रहे हैं, बंजर हो गई है भूमि, और परमेश्वर क्या कहता है, तू यहीं रहे, तू यहीं रहे, मैं तेरे साथ हूं। और समझिए भाई कि जब वो आपके साथ अकाल में होता है तो क्या होता है, इसका 12वां पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। सब लोग छोड़ के गए गरार को, वो मिस्र में रहा, परमेश्वर की बात उसने मानी और अकाल की धरती पर 100 गुना आशीष पाया। हालेलुया। और बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे ये 26वां अध्याय तो आपको पता चलेगा वहां का जो राजा था अबीमेलेक, इसहाक उससे ज्यादा धनवान हो गया। आमीन। आप परमेश्वर, हमें समस्याओं में परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, हमें समस्याओं में परमेश्वर के करीब जाना है, उससे लिपट जाना है। हालेलुया। मेरी समस्या है और तू है उसका उदाहरण, तू सुलझाएगा और कोई नहीं सुलझाएगा। मैं समस्या को नहीं जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। नहीं जानता हूं मैं समस्या को, मैं तुझे जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम अपना भरोसा पूरा परमेश्वर पर रखेंगे,
जिस दिन हम समस्याओं से डरेंगे नहीं, जिस दिन हम समस्याओं के सामने खुश होंगे कि मेरा यीशु मेरे साथ है, उस दिन परमेश्वर का सामर्थ्य आप देखेंगे, वो निकालेगा आपको और आप देखेंगे कि आप निकल रहे हैं, आप निकल रहे हैं। परमेश्वर के वचनों पर चलकर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर उसके अनुग्रह को महसूस करो, महसूस करो। जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे सामने हैं, तो ये जो उलझने वाले पाप है ना, इब्रानियों 12:1 क्या लिखा हुआ है, ये जो उलझने वाले पाप है, जब परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसका अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी कृपा हम पर है, उसके लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं, उसने हमें नई सृष्टि में रचा है, उसने हमें अपना पुत्र बनाया है, उसने हमें अपनी आत्मा दी है, उसने अपने हमें धार्मिकता दी है, तो क्या कहता है वो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। आमीन। उलझाने वाले पाप, शैतान आपके जीवन में क्या ला रहा है, उलझाने वाले पाप। आपको पाप, ऐसे पाप जो आपको उलझाते हैं, जो आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं, उलझाने वाले पापों से दूर रहिए। जब आप उलझाने वाले पापों से दूर रहेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक पाएंगे, तो परमेश्वर का आशीष पाएंगे। इसलिए समस्याओं से हमें भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर उसका बन जाना है और उससे कहना है तू है हमारा रखवाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है, मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप समस्याओं से दूर नहीं भागेंगे। जैसी समस्या आपके जीवन में आएगी, आप परमेश्वर से लिपट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की जय। जोर से बोलिए यीशु मसीह की जय। जोर से बोलिए यीशु मसीह की जय। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। Bye. Praise the Lord. Hallelujah.